जबान तो कटवा सकते हैं लेकिन इस मुल्क और इस मुल्क की आवाम को कभी नहीं झुकने देंगे। पाकिस्तान के फिरौनों के आगे अपनी ज़िंदगी, पाकिस्तान की आवाम के लिए अपना घर बार सब उजाड़ दिया लेकिन पाकिस्तानी आवाम को झुकने नहीं दिया। मैं बात करने वाला हूँ ऐसे नवर साफी की और ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूँ इमरान रियाज की, जो बेजाब होने के बाद पहला इंटरव्यू ऐसा इंटरव्यू दे दिया कि सुनने वालों ने इस पर यकीन करने से मना कर दिया। क्योंकि जब इसका हौसला देखते हैं, जब इसकी हिम्मत देखते हैं, जब इसकी ताकत देखते हैं तो देखने वालों को यकीन नहीं होता कि क्या ये वही शख्स है जिसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान की सारी मशीनरी इस्तेमाल की गई लेकिन ये शख्स उनके आगे नहीं झुका। सबसे पहले आप इमरान रियाज की जो गुफ्तगू सुने, क्योंकि ऐसी गुफ्तगू है इसको सुनने के बाद पाकिस्तान की आवाम के अंदर हौसला आ जाता है। इस गुफ्तगू को सुने, इस वीडियो को देखें, फिर मजीद आगे बात करते हैं। कोशिश की है मैंने एक दो जगह पे काम करने की, मैं कर नहीं सकता और कुछ। क्या प्लान है मेरा अल्लाह जानता है, कोई ऐसी वो नहीं है, मैं जैसा हूँ जो हूँ वो सबको पता है। लोग कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करो पता नहीं और मेरा अल्लाह जानता है कि इसके बाद मैं किस तरफ जाऊँगा, क्या करूँगा, वही प्लान करता है। बेहतर प्लान करने वाला वही है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। जिस दिन काम करूँगा उस दिन की जो स्टोरी होगी उस पर बात करूँगा। सब कुछ बदल रहा है, चीज़ें चेंज हो रही। मैं अपनी ओपिनियन खुल के देने की मुझे आदत है बस। तो मुझे बहुत सारे लोग ये मशवरा पहले भी देते रहे हैं कि यार तू ओपिनियन ना खुल के दे, न्यूज़ दे दे, ओपिनियन ना दे, अपनी ओपिनियन तू खुल के दे ही ना कभी, और जैसे बात करता है वैसे बात ना कर। अब मैंने ऐसे ही सीखा। मैं जब छोटा था ना तो कभी पूछा ना किसी ने अम्मी अच्छी है या अपनी, तो उस दिन जो अच्छा लगता था मैं कहता था कि मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों हमारे बच्चे करते हैं ना ये कभी कभी, मैंने कभी नहीं कहा कि दोनों, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कि ये अच्छा है ये आज नहीं अच्छा लगता या ये ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा अच्छा लगता है तो पाकिस्तानी तो वो मेरे से नहीं होता। मैं क्लैरिटी के साथ ही अली देख ये अच्छी तरह याद है मुझे जो चीज़ बुरी लगती थी मैंने हमेशा तेरे भाई मुँह पे बताया कि ये बुरा है भाई, साफ गोई रही है हमेशा का। नाराज भी हुआ कई दफा, और भी दोस्त नाराज हुए, कई जगहों पे ऐसा हुआ कि मेरी वजह से फड्डा भी हो गया भाई, तेरा भी फड्डा हो गया मेरी वजह से। मैंने साफ बात की कि नहीं यार ऐसे नहीं है, ये है ये, सारी जिंदगी ऐसे ही जिया हूं। कभी दिल टूटा हो, कभी सोचा हो, कोई रिकंसिडर किया हो, कोई ऐसा लम्हा आया हो कि गिव अप किया हो कि अच्छा यार किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सोचा कभी ऐसा? बहुत दफा मैं कुछ स्टील का बना हुआ मैं या मैं कोई फौलाद का बना हुआ आदमी हूँ जैसे दर्द नहीं होती या जो जिसको नींद नहीं आती है, जो जागता नहीं है या जिसको तकलीफ नहीं होती है, दिल नहीं दुखता, नॉर्मल आदमी हूँ मैं, ये तो अल्लाह का काम है। देखिए वही आपको सब्र हिम्मत इस्तकामत दे सकता है। एक ऐसी मनफी खबर जो है जो कि बिल्कुल हकीकत के बरक्स थी वो भी चला दी कि मैं और ने कहा जी इमरान नहीं, खुदा ना खास्ता इमरान जो है वो जिंदा नहीं है। अली मैं एक सीरियसली बात बताऊं, वो ऑप्शन आसान थी, मैं सीरियसली आपको कह रहा हूं। यानी अगर मेरे से पूछे कोई कि क्या आसान था तो वो आसान था। आई अंडरस्टैंड, बहुत मुश्किल था। ये आसान तो नहीं होता जिन हालात से आप गुजरते हैं, और तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है तो ज़्यादा दर्द होती है। ये मैंने वैसे एक्सपीरियंस किया इसको, यानी कोई बाहर वाला मारे तो वो आपको फील नहीं होता होगा। तो ये चीज़ मुझे शायद ज़्यादा फील हो रही थी कि यार मैं कोई इस मुल्क का गद्दार तो नहीं हूँ, मैंने कोई इस मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं कोई किसी दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ, या मैं भी ऐसी बात तो नहीं कर रहा कि जो मेरे मुल्क के मेरे मुल्क की नज़रियात के ख़िलाफ़ है। मैं जो बात कर रहा था वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन में आ सकती है, और वो कोई भी किसी से भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है किसी से। इसका मतलब ये नहीं था कि मुझे ट्रीट किया जाए या किसी को भी ट्रीट किया जाए ऐसे जैसे कि वो इस मुल्क का दुश्मन है। कोई मेरा तमाशा देखने आया, किसी को तस्कीन हुई मुझे ऐसे देख के, किसी को बहुत दुख हुआ, कोई मुझे गले लगाने आया, कोई मुझे हौसला देने आया, कोई दुआएं देने आया, कोई मुखबरी करने आया बहुत से सबके चेहरे पहचाने, हर तरह के लोग सब चेहरे पहचाने, मैं सबको ही मिला हूँ, सबकी बात सुनी है। अच्छा मुझे ना हैरत नहीं हुई बाकियों की, मुझे राणा सनाउल्ला साहब की हैरत हुई। राणा साहब जब गलत केस में फंस गए तो मैंने बहुत शोर मचा दिया। उस वक्त की गवर्नमेंट ने और एस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पे बहुत दबाव डाला, उन्होंने कहा जी आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉलिटिकल पार्टी से क्लैश
कर जाता है तो आप क्यों? मैंने कहा यहाँ राणा सनाउल्ला ठीक है, ये केस गलत बनाया, गलत केस। तो मैंने आवाज उठाई, राणा साहब आए थे शुक्रिया अदा करने, आपको याद है? मुझे याद है, राणा साहब घर आए थे, शुक्रिया अदा किया था उन्होंने कि यार मैं, आपने मेरे लिए बहुत आवाज उठाई तो मैं थैंक्स खुद आके करना चाहता था। मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि राणा सनाउल्ला अगर कुछ ना भी कर सके तो कम से कम कीचड़ नहीं उछाले। चले, हर एक का अपना अपना झर्फ है, उन्होंने जो बोला मेरे बारे में, जो कहा मुझे, जब क्योंकि मैंने वापस आके ना अपनी टीम से सिर्फ एक आदमी का पूछा था, मैंने कहा भैया राणा सनाउल्ला का बताओ, क्योंकि उसने बहुत बड़ा दावा किया था मेरे ड्राइंग रूम में एक दिन बैठ के, जब वो बहुत मुश्किल वक्त में था, मैंने उनके लिए आवाज़ उठाई, तो बहुत बड़ा दावा था। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ राणा सनाउल्ला का बताओ और किसी का। उन्होंने कहा जी उसने ना सिर्फ आपके बारे में लाइल भी रखी बल्कि आपके खिलाफ प्रोपेगेंडे का हिस्सा बना। वो जुमले मैं नहीं दोहराना चाहता, मुझे सिर्फ एक आदमी ने मायूस किया ज्यादा पॉलिटिकल लोगों में से, बाकी मुझे आइडिया था किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। मैं खबरों से कुछ अरसा दूर भी रहा, लेकिन जब मैं इन हुआ तो मुझे ये जब चीज पता चली तो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, ये तो हुआ ही नहीं कभी, ये तो नहीं हुआ कभी। अब वो खवातीन है, वो बच्चों वाली भी है बीच में, वो उनके बच्चे उनसे दूर मिल नहीं पा रहे, फिर एक केस में वो निकलती है, दूसरे में वो गिरफ्तार हो जाती है, फिर वो निकलती है, फिर तीसरे में गिरफ्तार। एक टाइम में एक लड़की या एक औरत इतनी सारी जगहों पे कैसे हो सकती है? मुमकिन ही नहीं। सेम टाइम में वो ये भी कर रही है, वो भी कर रही है, वो भी कर रही है, और फिर यानी जितनी तबाही औरतों पे डाली हुई है ना, इतनी तो दहशतगर्द नहीं फैला सकते या आतंकवादी ये नहीं कर सकते, जो इंडियन की इंडियंस की जबान में, कि इतना टेरर तो आतंकवादी नहीं फैलाते जितना वो लड़कियों ने फैला दिया। अब ये नई चीज़ है और ये जो पैटर्न सेट हो रहा है ना, ये परेशानी की बात है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देखें मैं आपको एक चीज बताता हूं, दुनिया में पहला कत्ल किसका हुआ था बताएं आप? आपको याद हो, ये जब दुनिया बनी, आदम अलैहि सलाम आए, उनके बाद उनकी औलाद आई, तो पहला कत्ल कौन हुआ था? याद है ना आपको? आबील का, अबील का वाकया सबको याद है, एक भाई ने दूसरे को कत्ल किया और फिर कैसे दफन किया। दूसरा कत्ल कौन हुआ था यार? तीसरा कौन हुआ था यार? किसी को नहीं याद कि दूसरा आदमी कौन कत्ल हुआ इस जमीन पे, तीसरा कौन कत्ल हुआ, चौथा कौन हुआ, बारहवां कौन हुआ, चौदहवां। पहला कत्ल सबको याद है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई के साथ हो रहा है ना, ये पहली दफा इस लेवल पे मामला गया, ये आप मानते हैं? हाँ, आप कोर्ट में देखते हैं ना? हाँ, कोर्ट नहीं, इस लेवल पे तो हमने तो अपनी लाइफ में सैकड़ों लोगों को कर रहा हूं, मुझे इसकी सेवेरिटी का अंदाजा है। बुजुर्ग मुगला से आप मिलते हैं, उनसे आपने पूछा कि ये लेवल पे कभी हुआ? दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, दिस इज एक्ट्स ऑफ वेरी डिफरेंट स्केल। ये पहली दफा हो रहा है। हां, अपनी नौयत की मखसूस हालात, ये याद रखा जाएगा, ये जिस जिस के साथ दूसरी दफा होना। क्या कमाल शख्स है, आपने ये गुफ्तगू सुनी है। इस शख्स की कैसे तारीफ करें, इसको कैसे डिफाइन करें, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए पाकिस्तान के सारे फिरौन इकट्ठे हो गए थे, लेकिन इसको ना तोड़ पाए। और आप जानते हैं इमरान रियाज खान ने कहा था पहली बार जब इमरान रियाज खान गिरफ्तार हुए थे, इन लोगों ने कहा कि अगर दूसरी बार गिरफ्तार करेंगे तो आपकी ज़बान काट देंगे, इसलिए इससे बाज आए। लेकिन इमरान रियाज इससे बाज नहीं आए। इमरान रियाज ने अपनी ज़बान जो है, आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से इमरान खान गुफ्तगू कर रहे हैं। इमरान रियाज खान इस शख्स को तोड़ने के लिए सारी कोशिश की गई, सारी नाकाम हुई। ये शख्स है कि इसकी जितनी तारीफ की जाए इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो ताकत, जो हौसला और जो हिम्मत दी है इस शख्स को, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसको तोड़ने के लिए कितनी कोशिश की गई, लेकिन ये शख्स फिर भी बोल रहा है, कितनी मुश्किल से बोल रहा है लेकिन फिर भी बोल रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए। इस शख्स को तोड़ने के लिए सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, लेकिन इस शख्स को नहीं तोड़ पाए। और ये शख्स एक बार फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए फिर बाहर निकल आए हैं, और फिर एक बार इसने साबित किया है कि वाकई ये पाकिस्तान के सच्चे और पाकिस्तान के अवाम के सच्चे साहबी भी हैं और सच्चा प्यार करने वाले शख्स भी हैं, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद भी अभी तक जो है पाकिस्तान के अवाम की खातिर लड़ने से पीछे नहीं हटे। इस शख्स को तोड़ने के लिए पूरी कोशिश की गई और पूरे पाकिस्तान ने देखा किसके साथ क्या हुआ, इसको किस तरीके से जो है जलील किया गया, इस शख्स को किस तरीके से जो है तशद्दुद का निशाना बनाया गया, इसका घर बार सब ख़त्म हो गया, इसकी अपनी जान, आप समझ लें कि एक बार तो इसको मार दिया था लोगों ने,
बस बचाने वाले ने इसको बचा लिया। इन्होंने पूरी कोशिश की कि इसको ख़त्म कर दें, लेकिन ये शख्स बाहर नहीं आ रहा। इस वीडियो के बाद, इमरान रियाज की इस वीडियो को देखने के बाद, पाकिस्तान की आवाम के अंदर हौसला आता है कि अगर ये शख्स हिम्मत नहीं आ रहा, अगर ये शख्स जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है और पीछे नहीं हटा, जुल्म के आगे नहीं झुका, तो हम क्यों पीछे हट रहे हैं, हम क्यों डर रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो तारीफ करने के बगैर और आपके कमेंट्स देने के बगैर अधूरी रहेगी। इस शख्स के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स अपनी कीमती राय जरूर दें और इमरान रियाज खान के लिए दुआ करें कि वो एक बार फिर अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं और एक बार फिर पाकिस्तानी कौम के लिए आवाज़ उठाएं। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय जरूर दें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।